प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नंबर दो, चतुर्भुज, चतुर्भुज और उसके प्रकार, और उसके प्रकार। चलिए नंबर वन, चतुर्भुज को हम परिभाषित करेंगे। परिभाषा, परिभाषा लाइए, ब्लू ब्लू। चार भुजाओं, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चित्र बनाएंगे, देखिएगा चतुर्भुज का चित्र ये आपके सामने। मैंने चतुर्भुज बनाया, ये चतुर्भुज बनाया, ये एक और चतुर्भुज बना, देखो देखते रहो इधर, तुम भी देखो बेटा, छोटी क्लास, छोटी क्लास वाले भी देखेंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछी जाती है, छोटी क्लास में भी पूछी जाती है बेटा, ऐसा नहीं कि बड़ी क्लास में ही पूछी जाती है, छोटी क्लासों में भी ये चीज़ें पूछी जाती है। नाम दे देंगे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज मैंने आपके सामने बनाए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र, चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है? याद है तो बोले, आधार इंटू ऊंचाई। वेरी नाइस। चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज सॉरी चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग चतुर्भुज का परिमाप कहलाता है। ये विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज मैंने बनाए। अब हम बात करेंगे प्रकार, प्रकार की बात करेंगे। नंबर एक, नंबर एक है आपका वर्ग, नंबर दो आयत, नंबर तीन समांतर चतुर्भुज, नंबर चार समलंब चतुर्भुज, नंबर पांच सम चतुर्भुज। नंबर वन वर्ग, वर्ग, वर्ग का फोटो बनाएंगे सबसे पहले। देखिएगा वर्ग का फोटो, इसका फोटो मैं बना रहा हूं आपके सामने।
ध्यान से देखिएगा फोटो, चारों भुजाएं समान है इसलिए चारों कोण भी समान है। ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी ए बराबर, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी, सी डी बराबर डी ए, इसलिए कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी, तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा बोलो बेटा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 प्लस 360, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं। और देखिए ये आपका 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण है इसमें, यानी कि भाई भाई आवाज नहीं भाई, चलिए नंबर दो, आयत देखिएगा, आयत का फोटो देखिएगा, आयत का फोटो बनाएंगे क्योंकि फोटो फोटो देखेंगे तो समझ में आएगा, शकल से पहचान में होती है किसी भी जानवर की या इंसान की, किसी भी पक्षी की। तो ये आपका मेरे सामने आयत बनाया है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, देखिएगा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब इसमें थोड़ा सा बाकी रह गया था, सॉरी, परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है चार गुणित भुजा, चार गुणित भुजा में भूल गया था, अब लिख रहा हूं। और क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। चलिएगा इधर आ जाइए, अब ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है, ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। आयत का परिमाप का सूत्र बताइए, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको याद ही है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। वेरी नाइस। नंबर तीन पे हम बात करेंगे समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की शकल तो आप सभी ने देखी है, शकल दिखा देते हैं फिर भी हम, देखिएगा शकल एक बार, समांतर चतुर्भुज की शकल देख रहे हैं हम, ए बी सी डी ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये आधार है। देखिएगा अब इसमें ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी के, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी है तथा कोण बी बराबर कोण डी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बोलो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई।
चलिए इसके बाद हम आते हैं नंबर तीन पे। नंबर चार पे हमारा कौन सा है? नंबर चार पे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज देखिएगा इसकी शकल कैसी होती है, शकल जरूर देखिएगा। ए बी सी डी, यह एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है? एक बटे दो समांतर भुजाएं ए बी, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। एक बटे दो, हिंदी में लिख दो, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आपसे, अगला चतुर्भुज हमारा पांचवा है। पांचवा चतुर्भुज हमारा कौन सा है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज इसका भी शकल देखिए, अब आप इसका शकल देखिएगा। ये देखिएगा, ये इस टाइप का जो चतुर्भुज होता है सम चतुर्भुज कहलाता है। और ये आपका सम चतुर्भुज बन गया ना। क्या नाम देंगे इसको? ए बी सी डी। चारों कोण कैसे हैं? बराबर नहीं है, मगर चारों भुजाएं बराबर हैं। चारों भुजाएं इसकी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र किसको याद है? ये इसके विकर्ण है, ये इसके विकर्ण कहलाते हैं भाई। हेलो, ये विकर्ण कहते हैं, चित्र में देखिए ध्यान से, है ना। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो इंटू डी वन इंटू डी टू, डी वन इंटू डी टू पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, है ना। सम चतुर्भुज का परिमाप बराबर चार गुणित भुजा। इस तरीके से हमने आपको चतुर्भुज और उसके विभिन्न प्रकार का सविस्तार वर्णन किया। तो ये प्रोजेक्ट आप तैयार कीजिए, आपको इसके 20 नंबर मिलेंगे।